गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे और अभी टाइम हो रहा है 10:45 सुबह के। और अभी मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी किचन में हूँ और जो भी बर्तन वगैरह रखे हुए थे धुल के वो मुझे यहाँ से हटा लेना है। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ राइस और सिंपल सा फिश करी। मुझे फिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है, और ईशान को भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो आज है धनतेरस, शुभ धनतेरस आप सबको। और कल है दिवाली, तो एडवांस में हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली आप सभी को। और कमेंट पे प्लीज़ मुझे भी दिवाली विश कीजिएगा। सो मेरे ससुराल में ऐसा नियम है कि धनतेरस के दिन फिश बनाया जाता है। और जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर सिर्फ संडे को फिश मिलता है और कभी कभार जो है थर्सडे को मिल जाता है। इसीलिए मुझे अमित को भेजना पड़ा मार्केट, वहाँ से अमित लेके आए हैं फिश। और लंच हम लोग का 10 बजे से पहले बन जाता है क्योंकि अमित लेके जाते हैं लंच ऑफिस। सो इसीलिए आज अभी तक नहीं बना है लंच और ईशान अभी खेल रहा है उसके साथ। सो मैं अभी करती हूँ लंच की प्रिपरेशन। सो सबसे पहले मुझे फिश को फ्राई करनी है। सो अभी मैं यहाँ पे फिश फ्राई करूँगी और मुझे फिश फ्राई करने टाइम काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। ईशान की आपको आवाज़ आ रही होगी, तेल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही ना, जैसे कि फिश को छोड़ो तेल काफ़ी ज़्यादा मुंह में आके लगता है, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और मेरे शादी के 2.5 साल हो गए लेकिन मैं अभी तक फिश मतलब फ्राई ऐसे की हूँ बट अकेले नहीं की हूँ, हमेशा मेरे साथ अमित रहते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है फिश फ्राई करते टाइम। मैं पहले हल्दी पाउडर दे दूँगी फिश में ताकि काफ़ी ज़्यादा तेल जो है मेरे पे ना के लगे, इसलिए। इतना सारा फिश नहीं बनाऊंगी आज के दिन, बस थोड़ा सा नियम है इसीलिए, बाकी मैं ऐसे ही फ्राई करके फ्रीजर में रखूँगी। कल तो हम लोग फिश नहीं खाएंगे बिकॉज कल काली पूजा है, इसलिए कल के दिन हम फिश नहीं खाएंगे, परसों बनाएंगे फिर। सो थोड़ा हम अभी फ्राई कर लूँगी मैं, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है तभी फिश अच्छी तरह से फ्राई होगा, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। वैसे नॉनस्टिक में मुझे नहीं लगता चिपकता है बट फिर भी रिक्स नहीं ले सकती मैं। और आज है धनतेरस तो हम लोग आज मार्केट जा सकते हैं कुछ लेने। खेलो तुम्हें, खेलो तुम्हें, फिश खावे, फिश खावे तुम्हें, वेट करो। सो अच्छी तरह से मैंने टर्मरिक लगा दिया है, अब मैं इसमें सॉल्ट भी लगा दूंगी। फिश अपन खाए नहीं तेल तो गरम अच्छे दे जाओ तुम्हें, हम दे दूंगी फिश तो फ्राई हो फिर मैं दूंगी। सो जैसे कि मैंने बताया ईशान को फिश काफ़ी पसंद है, उसका बस चले तो कच्चा भी खा लेगा। बंगाली इसीलिए शायद, आई थिंक सब बच्चों को ही फिश अच्छा लगता है, सिर्फ बंगाली को नहीं, सभी बच्चों को फिश अच्छा लगता है। मुझे लगता है तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है लेकिन मैं ही काफ़ी स्लो काम कर रही हूँ। मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना है आज, वो मैं थोड़ी सी जब फ्री हो जाऊँगी तब दूँगी। बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही हूँ मैं, करनी चाह रही हूँ फास्ट लस्ट बट नहीं हो रहा है मुझसे। सो गाइस अभी ईशान सो चुका है
ईशान को मसाज करने के बाद उसको नहला दी थी और फिर लंच किया और फिर अभी वो सो चुका है। सो गाइस, सो अभी मैं बेलकनी पे बैठी हुई हूँ और मैंने शावर ले लिया है। आज मैंने शैम्पू किया है, हेयर वॉश किया है और मैं अभी बेलकनी पे बैठी हुई हूँ। टाइम अभी हो गया है दोपहर के 3 से 3:30 हो रहे हैं अभी और ईशान भी सो के उठ चुका है। ईशान को सुलाने के बाद मैंने अपना एक वीडियो एडिट किया, उसके बाद उसे एडिट करने के बाद शावर लेके कपड़े भी थे उसे फिर 3 वॉश करने थे। सो वो सब करके अभी तक मैंने लंच नहीं किया है बिकॉज आज मैं काफ़ी देर में मैंने नाश्ता किया है और आज अमित भी एक्चुअली आने वाले हैं तो मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि कब तक आएंगे। पता नहीं, शायद ज़्यादा ही कुछ काम है इसीलिए अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। सो मैं अभी फ़ोन करूँगी उन्हें और अभी मैंने दे दिया है वीडियो को अपलोड होने के लिए और बाहर धूप बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप देख सकते हो। सो अभी मैं और ईशान हैं बैल्कनी पे और वैसे आज हम लोगों का ना एक प्लानिंग था कि हम लोग आज बाहर जाएंगे जैसे कि धनतेरस है तो कुछ कुछ लेना है घर के लिए और उसके बाद हम लोग कल मिले थे हमारे पुराने रूम ऑनर से तो उनके भी बहू बेटे सब आने वाले हैं। सो वो हमें कल इनवाइट किए थे कि आज आने के लिए, मतलब संडे को इनवाइट किए थे कि मंडे को आने के, मतलब संडे को वो बोले थे कि आप लोग मंडे को आइएगा। पता नहीं मैं आपको समझा पाई कि नहीं, क्या जो भी है। सो आज हम लोग जाने वाले हैं शायद, मुझे नहीं पता अभी, एक मिनट मैं इस कैमरा का स्क्रीन कैमरा पता नहीं धुंधला क्यों लग रहा है। सो पता नहीं मुझे कि अभी हम लोग आज जाने वाले हैं कि नहीं क्योंकि अभी तक अमित नहीं आए हैं तो पता नहीं, अगर शायद उन्हें ज़्यादा काम है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। सो अभी बस मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ बालकनी पे खड़े खड़े, कब आएंगे और भूख भी वैसे नहीं लगी है और सो भूख लगने से भी मैं वेट कर लेती क्योंकि हम लोग सिर्फ सुबह का जो ब्रेकफास्ट और रात का खाना एक साथ खाते हैं। लंच के टाइम पे वो ऑफिस में रहते हैं और मैं घर में रहती हूँ सो ऐसे ही खाते हैं हम लोग। तो अगर एक दिन लेट हो गया तो क्या कर सकते हैं अभी, उसमें मैं वेट कर लेती हूँ चाहे कितना भी लेट हो जाए, इसीलिए मैं अभी वही कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ और बालकनी पे खड़ी हुई हूँ। और अभी हमारे जो पड़ोसी है वो आई थी, हम लोग बातें कर रहे थे दोनों, उनका भी छोटा सा बेटा है ईशान से 2 महीने का छोटा है। सो गाइज अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ और जब तक अमित नहीं आते हैं तब तक मैं अभी फ्री हूँ और ईशान भी खेल रहा है अभी। सो इस वीडियो का जो टाइटल है उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। लाइक मेरा जो चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रियामित, इसमें जब मैं चैनल को क्रिएट की थी तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं लाइक DIY वीडियोस दूंगी, उसके बाद मेकअप वीडियोस दूंगी, लाइक ब्यूटी से रिलेटेड मैं वीडियो दूंगी। उसके बाद मुझे ब्लॉगिंग भी अच्छा लगता है करने, सो मैं वो भी अच्छे से कर सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ब्लॉग करने, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि इस चैनल पे DIY फिर मेकअप से रिलेटेड वीडियोस, रिव्यूज़, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें अभी मतलब मिक्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। लाइक आप मेरे चैनल को देखोगे तो कम टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ इस चैनल के लिए, जो कि बुरा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा है वो। बट मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अपने ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए मैं एक अलग चैनल पे वो सारे वीडियोस अपलोड करूं क्योंकि ताकि सब कुछ मिक्स ना हो जाए। इसीलिए मैं क्या सोच रही हूँ कि मैंने एक्चुअली एक चैनल क्रिएट भी कर लिया है जिसका नाम है प्रियंका ब्यूटी जोन। सो उस चैनल पे मैं अपने DIY वीडियोस, फिर मेकअप वीडियोस और
हाँ DIY मेकअप वीडियोज़ रिव्यूज़ मतलब ब्यूटी से रिलेटेड सारा वीडियोज़ मैं उस चैनल पे पोस्ट करूँगी, प्रियंका ब्यूटी जोन जो मेरा न्यू चैनल है उसमें। और इस चैनल पे मैं पोस्ट करूँगी मेरे डेली ब्लॉग्स। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, इसलिए मैंने संडे को भी ब्लॉग बनाया था, आज भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। जो नॉर्मल जो मेरा दिन कैसे स्पेंड होता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे इस चैनल पे, यानी कि इंडियन यूट्यूबर प्रियामित के चैनल पे। मैं अपने ब्लॉग शेयर करूँगी कुछ, अगर मैं फ्यूचर में अपने फ़नी वीडियोज़ या फिर फन वीडियोज़ कुछ भी काइंड ऑफ बनाऊँ सो वो सारे यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगी। और जो मेरा DIY या फिर ब्यूटी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होगा वो सब मैं पोस्ट करूँगी प्रियंका ब्यूटी जोन चैनल पर। उससे क्या होगा, ये सारे चीज़ें जो है मिक्स नहीं हो जाएंगे, ओके। और सो इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से आज आपको अपना टाइटल रखा है, और आयुष पीछे हंस रहा है। सो कुछ इस तरह से मैंने आज का टाइटल इसलिए रखा है ताकि आप सब टाइटल देख के जानना चाहो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और सबको आपको अपडेट मिल जाए कि मैं अपना वीडियोज़ जो है कैसे किस तरह से पोस्ट करूँगी। सो अगर आप प्लेन जा रहा है सो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर मेरे अभी वीडियोज़ मैंने इस तरह का नहीं बनाए हैं, बट एक जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, एक फ़ोटो से जो वीडियोज़ बनते हैं काइंड ऑफ उस तरह से मैंने एक वीडियोज़ बनाया है। और बाकी वीडियोज़ मैं अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबका भी ओपिनियन चाहिए होगा कि आप सब इस बारे में क्या ओपिनियन देते हो अपना। सो उसके बाद मैं प्रियंका ब्यूटी जोन में वीडियो से ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूँगी, और इसमें मेरे ब्लॉग्स आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ, मैं उल्टा चल। सो अभी हम आ गए हैं, अभी मैं सबके लिए लंच लगा रही हूँ। आयुष खा लिया है, मैं रिया अमित हम तीनों अभी लंच करेंगे। पता नहीं कुछ कैसा बना है। सो अभी शाम हो चुकी है, टाइम भी हो रहा है 5:00, और अभी हम लोग रेडी हो गए। अमित अभी गए हैं आयुष को घर छोड़ने के लिए, और बस अभी हम लोग रेडी होने वाले हैं। हम लोग जाएंगे आज थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करने के लिए, और जो रूम ऑनर थे हमारे पहले घर के, घर भी हम जाएंगे। सो ये है ईशान का फुल पैंट, एक उसके साथ फुल स्लीव्स के टी शर्ट, और एक एक्स्ट्रा मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ। सो ये है एक टी शर्ट एक पैंट ईशान के लिए, और ये है मेरा, ये उल्टा करके रखा हुआ है, आप देखे होंगे मेरे किसी और वीडियो में। सो चलिए अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं, हम यहाँ पर पहले रहते थे वहाँ पे, और अभी हम लोग छत पे आए हैं जस्ट ऐसे ही। सो ये है यहाँ का व्यू। रात है इसलिए कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है। सो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, मार्केट भी जाना है। अभी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और जा रहे हैं कुछ फ्लावर्स वगैरह लेने, आर्टिफिशियल फ्लावर्स एक्चुअली वो लेने जा रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं दिवाली के लिए। सो मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। सो बहुत सारे हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है। वैसे मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, कमल है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन तो अभी देख लेते हैं कि कौन सा लेना है, और यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। ये तो और भी ज़्यादा क्यूट है, देखो अमित है ना छोटा छोटा।
फिर हम लोग घर आ चुके हैं। टाइम अभी हो रहा है 10:15 रात के, इतना लेट हम लोग का हो गया है। और बहुत बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने, बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने। सो मैं दिखा दूँ, इयररिंग ली है सबसे पहले, मैं वो दिखा देती हूँ आपको। प्राइस मैं आपको अभी नहीं बता सकती क्योंकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी, दिवाली शॉपिंग वाली वीडियो, उसमें आपको सारा कुछ दिख जाएगा। सो ये है फर्स्ट ईयरिंग, बहुत प्यारा है, बहुत सारा। और उस शॉप में मैं पहली बार गई हूँ जहाँ से मैंने ये ईयरिंग लिए हैं। इतना अच्छा अच्छा इसमें ईयरिंग था वहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी ईयरिंग था। सो नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो कुछ इस तरह की है, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह के, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। सो ये तो हो गए 3 ईयर। तो फिर मैंने लिए हैं दिया, ये ऑलरेडी मेरे पास दिए हैं बट फिर मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लिया। नेक्स्ट ईशान के लिए लिए हैं एक टॉय कार, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। और एक दिया मैं आपको दिखाती हूँ, ये रिया बनाई है दिया। एक्चुअली पहले से ही था, वो कुछ इस तरह से डेकोरेट की है। ये है एक, और इसके बाद ये है एक, बहुत प्यारा है। सो ये भी हम लोग कल जलाएंगे दिवाली के टाइम। ओके सो नेक्स्ट जो है वो मैंने लिया है एक कैंडल, इस तरह के जो कैंडल होते हैं ये लिया है मैंने। और इसकी जो स्मेल है वो ऑसम है, लाइक ऑसम। सो नेक्स्ट जो है मैंने लिया है एक वाटर बॉटल, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट है ये इस तरह का एक फ्लावर, बट ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट स्टिल मैंने ले ली क्योंकि अमित को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। सो मुझे लगा कि नहीं ले लेते हैं, फिर दिवाली है, रोज़ रोज़ थोड़ी ना आती है इसीलिए। नेक्स्ट जो है वो है ये टेबल, ये एक्चुअली धनतेरस के लिए है। ओके और एक मैं आपको दिखा दूँ, वो है ये लाइट। सो ये लाइट जो है मेरा पहले का ही है बट ख़राब हो चुका था, सो मुझे रिपेयर कराना था, वो करवा लिए। और एक मुझे लाइट लेना था पिंक कलर में बट मुझे नहीं मिला पिंक कलर। सो बस यही सारी शॉपिंग है, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी करने वाली हूँ, कल ही करूँगी अगर मुझे कल टाइम मिल जाएगा तो मैं कल करूँगी इसका वीडियो। फिर उसमें आपको सारे इसके जो प्राइजेस हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे उस वीडियो में। सो चलिए अभी हो गया है डिनर करने का टाइम, ईशान रास्ते में सो गया है, ऐसे वो सो जाता है वैसे ही। सो अभी डिनर करने का टाइम है, और डिनर भी हम लोग लेके आए हैं, वेज पुलाव लेके आए हैं। अमित खबर खबर ओके। सो चलिए अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं, और टेबल की वजह से घर काफ़ी भरा भरा लग रहा है। नहीं रानी तो वेज पुलाव खाए ना, क्या ना जिगेस कर खावी ना खावी। ओके सो अभी हम डिनर कर लेते हैं, ऑलरेडी 10:30 बजने आ गया है। और अभी अभी मुझे अपने मेकअप को रिमूव करना है, और ये मैंने आज ही तो आज नहीं ऑर्डर किया था पहले, आज ये आ गया है। सो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, देखते हैं कैसा है। इसका मैं एक सेपरेट रिव्यू दूँगी, थोड़ी दिन मुझे बस इसे यूज़ करके देखना है कि कैसा है। तो अभी मुझे अपने मेकअप को रिमूव करना है, उसके बाद करनी है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, और फिर हम सब सो जाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं भी अभी यहीं पे एंड करूँगी। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपना फेस को वॉश करने, और इस ब्लॉग को भी मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपके साथ कल के ब्लॉग में, यानी कि दिवाली वाले ब्लॉग में। बाय।